लाहौर में वजीरे इत्तलात पंजाब मियां असलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, टमाटर की कीमत में इजाफे से इनकार नहीं करते, ताहम तमाम सूबों की नस्बत पंजाब में अशिया की कीमतें कम हैं। पंजाब पर तनकीद करने वाले दूसरे सूबों पर भी नजर डालें, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी मसले के हल के लिए मुआवन साबित होगी। गया कि कोई प्राइस को जितना मर्जी बढ़ा ले, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। जो पंजाब हुकूमत पर बैठे लोग जो तनकीद कर रहे हैं, वो अपने जिनकी जिन जिन सूबों में हुकूमत है, जरा थोड़ी सी नजर उन पर भी डाल लें। मैं इनसे अपनी कमियों कोताहियों को छुपा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि तमाम सूबों की निस्बत पंजाब के अंदर प्राइस स्ट्रक्चर नीचे किया गया है। वो जो भी मैकेनिज्म हमने इस्तेमाल किया, आने वाले चंद रोज के अंदर आप देखेंगे कि जो एसेंशियल आइटम है, जो हुकूमत जिनकी कीमतें मुकर्रर करती है, वो अपनी अपनी सतह पर होगी। जहां तक टमाटर का तल्लक है, ऐसी सब्जियां जो कमी बेशी की बुनियाद पर, मौसमियाती तब्दीलियों की बुनियाद पर, या किसी एक सूबे के अंदर, जैसे सिंध में फसल अगर टमाटर की लेट हुई है तो केपीके और ईरान से मंगवाने पड़ गए हैं, अदरवाइज आप इंडिया से मंगवाते हैं। लेकिन फिर भी अब हम जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बना रहे हैं, उसके अंदर हम काफी चीजें करने जा रहे हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चरिस्ट भी उसमें डालेंगे, इकोनॉमिस्ट भी डालेंगे, वो तमाम बंदे जो पेशन गोई कर सके कि पंजाब के अंदर कौन सी फसल लेट है, कौन सी जल्दी है, किस सूबे में किस टाइम पे आ रही है, कितनी इसकी आपके सूबे के अंदर खपत है, किस मौसम में चाहिए, उन तमाम चीजों को देखा जा रहा है।